हम मीडिया से, मेरा चैनल इधर आओ जरा। ये पर्ची तो पर्सनल गाड़ी का है नहीं, सब का है सर का, इस पे तो लिखा नहीं है। आउटस्टैंड भी है, 80 लाख रुपए देना पड़ेगा। आप एम्प्लॉय इधर, आप एम्प्लॉय तो टूरिस्ट को थोड़ी भगा देंगे भाई, ऐसे कैसे बोलते हो आप भी? आपको बोलो ना सीधा सीधा, हम लोग ने नहीं बोल दिया ठीक है, आप हमको क्यों बोल रहे हो गाड़ी मत ले जाओ? ये तो हमारा पास बनता नहीं है, लेकिन इन्होंने लिया। ये भी एक स्कैम है यहाँ पे। फेस टू जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ, हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। भाई साहब क्या बात है, 1820 रुपए दिया है एक टिकट का, और वॉशरूम में बोलता हूँ इस वॉशरूम का मेरे हाथ का पानी भी इसमें, दूसरा आएगा उसके भी इसमें, छी छी छी। सुबह सुबह हम पहुंचे हैं यहाँ, देखो अभी भी रश है यहाँ पे। तो यहाँ से पहले हम लोग चढ़ेंगे ऊपर। ये तो बाहर का गाड़ी है, कोई वेस्ट बंगाल नहीं, कोई बात यहाँ पे चलन हो जाएगा बाद में, नहीं बोलेंगे। यहाँ से मेन रोड जो बाहर पार्किंग है 1.2 किलोमीटर, यहाँ पे आपको टैक्सी का ऑफर करेंगे जो बिल्कुल स्कैम है। टैक्सी का 300 रुपए मांगते हैं यहाँ से वहाँ तक का, 300 रुपए 1 किलोमीटर तक। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। और आज का जो व्लॉग है हमारा वो गुलमर्ग का होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गुलमर्ग। हमने वहां पे लेना है गुंडोला का राइड, जो हमने फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का बुक करा के रखा है। सुबह सुबह जल्दी उठे क्योंकि हमारा 9 से 11 का फर्स्ट फेज का स्लॉट है, निकलते हैं गुलमर्ग की। और आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग है, सो व्लॉग को स्किप मत करना। तो सुबह सुबह के टाइम ना श्रीनगर में काफी ज्यादा ठंड है। ये देखो हमारी गाड़ी की क्या हालत है, ऊपर पूरा कोहरा जम चुका है। यहाँ से गुलमर्ग तक लगेगा अप्रोक्सीमेट 2.5 आवर। ये देखो इसकी हालत, देखो यहाँ पे, ये देखो ये पूरा बर्फ जम चुका है। और ये हमारा होटल ख्वाहिश रेडी है, तो चलो गुलमर्ग की ओर, और आपसे डायरेक्ट गुलमर्ग में मिलेंगे। अब ये पर्ची किस चीज का है? कल की, आज की। इस पे लिखा है सुमो तवेरा स्कॉर्पियो पर्सनल। इधर आ जरा, ये पर्ची तो पर्सनल गाड़ी का है नहीं, सब का है सब का, इस पे तो लिखा नहीं। आउटस्टैंड भी है, आउटस्टैंड हमारा तो पर्सनल है ना, हमारा पर्सनल है जो आउटस्टैंड होगा, पर्सनल पर्सनल का भी है। इधर आओ सर, पर्सनल का भी है, पर्सनल का भी है, सभी का, इसमें तो लिखा नहीं। ये भी ये प्राइवेट है, इसको पता क्या है? 80 लाख रुपए देना पड़ेगा। किसको? टोल को, टेंडर। नहीं नहीं वो तो देना है, मगर इसमें लिखा ही नहीं है पर्सनल गाड़ी का, ये सिर्फ सुमो इनोवा स्कॉर्पियो टेम्पो ट्रेवलर एंड तवेरा। बट हमारा तो पर्सनल गाड़ी है ना, आप एम्प्लॉय इधर, आप एम्प्लॉय हैं, ये कमर्शियल नहीं, हमारा पर्सनल है, जो प्राइवेट है प्राइवेट है, उसके साथ गलत है ना ये, तो फिर लिखा होना चाहिए, इसमें लिखा होना चाहिए ना पर्सनल गाड़ी भी, नीचे दिया ये कमर्शियल गाड़ी। हाँ जी, नो आप आगे आपके साथ हम गए, देख दे देगा। नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं नहीं हमारा कुछ और चल रहा है, हम मीडिया से, मेरा चैनल, हमने कार्ड आपको पर्ची, बस फिर ये गलत है ना, लेकिन हमने सिर्फ पूछा आपको, नहीं लाइए दीजिए, कोई बात नहीं, नहीं दीजिए, दिया कहाँ पे आपको? नीचे ही दिया, अब इस पे फोन कर रहा था मैं, ये उठा नहीं रहा। अभी हम आ चुके हैं टंगमर्ग से ऊपर, तो यहाँ के टंगमर्ग में आपको एंट्री पास लेना पड़ता है। ये देखो ये भी एक स्कैम है, क्योंकि इस पे लिखा है सुमो इनोवा स्कॉर्पियो, जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उनका ही ये पास होता है 75 का, हमारा नहीं है, हमारी तो पर्सनल गाड़ी है। अच्छे से देखना स्क्रीनशॉट उठा के, ये देखो ये तो हमारा पास बनता नहीं है, लेकिन इन्होंने लिया। ये भी एक स्कैम है यहाँ पे, इससे भी बच के रहना, देना नहीं। क्या सर गुंडोला का टिकट है सर? हाँ। नीचे भी हाथ दिखाया है सर, तो बंदा साथ लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ओके सर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुलमर्ग में, और यहाँ पे हमने पार्किंग कर दी है अपनी गाड़ी, मतलब पार्क लगा दी है। तो गुलमर्ग आते आते रास्ते में बहुत सारे स्कैम्स है। तो अभी गुलमर्ग का कुछ व्यू ऐसा है, देखो बहुत ज़्यादा ठंड है गुलमर्ग में, सोनमर्ग से भी ज़्यादा ठंड है गुलमर्ग में, देखो। और यहाँ से हमने जाना है अंदर गुलमर्ग, जो गुंडोला है, गुंडोले का रास्ता यहाँ से अंदर जाता है, और यहाँ पे हमने पार्किंग कर दी अपनी गाड़ी। यहाँ पे भी आए तो अंदर हमने गाड़ी पार्क की, बट वी सॉ ऑल द गाड़ी जो जा रही है अंदर, तो हमने सोचा 1.5 किलोमीटर चल के कौन जाएगा, गाड़ी है। देन फिर आ गए हमारे महान गाइड यहाँ के जो स्टार्टेड थे इनके, आप अंदर गाड़ी लेके जा ही नहीं सकते, आपको हम लोग लेके जाएंगे, ये वो। तो राहुल वाज लाइक चलो बताओ किधर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है नहीं ले जा सकते, एंड फिर लेकर आए तो यहाँ कहीं लिखा हुआ ही नहीं, और सब गाड़ियाँ जा रही है अच्छे से। ये क्या दिल्ली नंबर मेरे सामने जा रही है, कमर्शियल तो जा ही रही है, सब बाहर की गाड़ियाँ भी जा रही है। तो यहाँ
क्या हुआ भाई? बोल राहुल, सब गाड़ियां जा रही है, प्राइवेट भी जा रही है, सब जा रही है अंदर। प्राइवेट नंबर गाड़ी है, देखो दिल्ली की भी तो है, प्राइवेट है, पर अलाउड नहीं है। तो टूरिस्ट को थोड़ी भगा देंगे भाई, ऐसे कैसे बोलते हो आप भी? आपको बोलो ना सीधा सीधा, हम लोग ने नहीं बोल दिया ठीक है, आप हमको क्यों बोल रहे हो गाड़ी मत ले जाओ, हम जाए ना ले जाए। हम देखते हैं, ये देख, ये भी तो जा रही है, वो देख दिल्ली, जा गाड़ी लेके। स्टाफ नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ पे, नहीं होगा। अरे क्या प्रॉब्लम होगी, सब गाड़ियाँ जा रही है ना, रोकने को कोई है? मुझे फिर आके बाहर आके बोलता है अभी यहाँ पे साफ नहीं। कौन निकालेगा? पार्किंग वहाँ वहाँ पर रखो, यहाँ पर गाड़ी सेफ है, इधर लगा है ना ये गाड़ी किसी का, हम भी अभी निकालेंगे ना। ये किसका गाड़ी है? किसका? ये स्टाफ का गाड़ी है, ये भी निकल जाएगा। ये तो बाहर का गाड़ी है, कोई वेस्ट बंगाल नंबर, कोई वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का, कश्मीर ने बहुत लिया ना पंजाब का, है ये यहाँ पे चालान हो जाएगा बाद में, चलेगा भाई, सीसी कैमरा लगाएगा, सीसी कैमरा। ये तारों के ऊपर है भाई, कुछ भी ये क्यों बोलते हैं निकालो निकालो, लेकिन ये सब लगाए हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है। चलेगा चलेगा, हम चालान भर देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग अपना गाड़ी लगा दो, आप शुक्रिया, आपको पहले बंदे हो जो सही से लग रहा है जिससे बात करके, बाकी सब यहाँ पे जिससे भी बात करो सब ये सही बंदा है, इसने पूरा गाइड किया ठीक से, मगर इन्होंने मास्क लगाया खोला नहीं मास्क, शक्ल दिखा दो अपनी, है शक्ल नहीं दिखाओगे? ये भाई हैं जिन्होंने यहाँ हमें अच्छे से गाइड किया, स्कैम नहीं किया, बाकी सब यहाँ झूठ बोल रहे थे, ये भाई ने सच बताया पूरे गुलमर्ग में। चलो भाई शुक्रिया, थैंक यू। पहले हमने ऊपर गाड़ी लगाई थी तो वहाँ से एक 1.2 किलोमीटर था गंडोला, तो फिर वहाँ भी स्कैमर से उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पार्किंग में लगवाया कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी, तो फिर जाके हमने रिकॉर्ड किया, कैमरा ऑन किया, तो उन्होंने बोला ठीक है ले जाओ गाड़ी, अभी हम यहाँ आए और नीचे लगाई हमने पार्किंग में, तो यहाँ भी बता रहे थे नहीं निकालो 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 निकालो, एक भाई ने बोला लगा लो, तो यहाँ से अब हम जा रहे हैं गुलमर्ग गंडोले की तरह। सुबह सुबह हम पहुंचे हैं यहाँ, अभी 9:30 का टाइम है, लेकिन देखो अभी भी इतना मतलब रश है। आपको पहली बार ऐसा हुआ हमारी ट्रिप पे कि हम सुबह 5:30 उठे, वो भी इतनी ठंड में, और फ्रेश होके हम रेडी हुए और 6:00 वहाँ से निकले गुलमर्ग की ओर। तो रास्ते में आते आते हम बहुत ज़्यादा खुश थे और जल्दी भी उठे थे, लेकिन रास्ते में आके कुछ स्कैमर्स जो थे ऐसे ही मुड़तरफ कर दिया। तो अब हम ये एंट्री पॉइंट जो है यहाँ से अंदर जाएंगे, और उसके बाद ऊपर नहीं करूँगे, यहाँ पे गाइड है ये। हम एंटर हो चुके हैं अंदर, ये देखो अंदर का व्यू क्या मस्त है, क्या बोल रहे हो? चलेगा वॉशरूम कहाँ? वॉशरूम हो रहा वो उस साइड में, नहीं 100 में से 200 रेटिंग जाएगा, इनकी दुनिया का सबसे गंदा वॉशरूम देखा है। वो भी इतनी बड़ी सी रिपेयर गंडोला, इतना बड़ा कंपनी है वो, पर वो लोग का इतना गंदा वॉशरूम। ये वॉशरूम पे हम गए अंदर, इतने गंदे वॉशरूम है इनके, 1820 रुपए दिया है एक टिकट का, और वॉशरूम में बोलता हूँ फू इस वॉशरूम का, ये देखो कहाँ से हम धो रहे हैं, थोड़ा ज्यादा थू नहीं हो गया? ये देखो ये है जी इनका तरीका, इधर क्या बात है, ये देखो 1820। अब ये इसमें रखेंगे, मेरे हाथ का पानी भी इसमें, दूसरा आएगा उसके भी इसमें, छी 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 1820 गया हमारा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऊपर जाते हैं गंडोले राइड के लिए, एक्साइटेड हैं, बाथरूम की वजह से हम पूरी राइड को खराब नहीं बनाते, चलो निकलते हैं। एंट्रेंस है यहाँ से, ऊपर जाते हैं, टिकट वगैरह चेक करके ऊपर जाते हैं, और देखो मज़ा आ जाएगा, लेकिन हम भी अपनी लाइन में रुके हुए हैं, बाकी लोग आ रहे हैं वो अभी पीछे ही हैं। गंडोला राइड की जो टिकट होती है उस पर एक बार कोड आता है, मतलब QR कोड, जिसको हम स्कैन करते हैं बाद में एंट्री गेट पे, वो स्कैन होता है, और स्कैन करने के बाद वो पता चलता है कि वो वैलिड है टिकट या नहीं, अगर वैलिड होगा तो वो सक्सेस दिखाएगा, इनवैलिड होगा तो वहीं पर रिजेक्ट होगा। तो रश सुबह सुबह के टाइम पे इतना रश, अगर हम दोपहर को आते तो कितना रश होगा। भाई जहाँ भी आती है अपनी रिश्तेदारी निकाल देती है, और राहुल भाई भी जहाँ भी पहुँचते हैं अपनी रिश्तेदारी निकाल देते हैं। मैं ज्वेलर्स हूँ, मेरा दुकान है ज्वेलरी का, बोलो। और ये है हम एंटर हो चुके हैं, और यहाँ सामने देखो
जाएगा। फाइनली चलो 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 बिस्मिल्ला। ओ भाई साहब बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह वाला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। तो गाइस देख सकते हो अभी भाई साहब भाई साहब क्या बात है। मैं तो बोल नहीं सकता अभी कुछ भी, मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई साहब क्या बात है। ये देखो इस तरफ से, यहाँ से हम आए नीचे वाली साइड से। ओ वाओ यार क्या बात। ये देखो हम नीचे से आए हैं इस वाली साइड से, यहाँ पे देखो ये घर छोटे छोटे घर है। ये देखो फेस फर्स्ट आते आते ना मजा आ गया बहुत मजा आया, लेकिन जितना हमने सोचा नहीं था, मतलब हमारी सोच से आगे मजा, बहुत ज़्यादा मजा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ थोड़ा रुकेंगे और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं फेस फर्स्ट में, और आपको भी दिखाएंगे फेस फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं और एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। जी हमने यहाँ से उतरे गंडोले से और ये बाहर का व्यू है, कुछ ऐसा मस्त व्यू है और एकदम से ना अजीब सी वाइब्स आ रही है, बहुत बढ़िया वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे देखो ये एक बोर्ड लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट उठा के पढ़ लेना इस पे क्या लिखा था। तो ये सीढ़ियाँ उतर के हम जाएंगे अब फेस फर्स्ट देखने के, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या कर सकते और कैसा मज़ा आएगा। तो ये है फेस फर्स्ट का स्टेशन जहाँ पे हम रुके हैं, और यहाँ से ऊपर जो जाता है फेस सेकंड जाता है, और वो यहाँ ऊपर पहाड़ी तक लेके जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टॉप पे जो आपको टावर दिख रहा लास्ट वाला, और इतना ही है ये फेस सेकंड। और यहाँ का व्यू देखो कितना मस्त है और कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं, और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिर्फ यहीं फेस फर्स्ट में ही होती हैं। इस तरह से देख सकते हो ATV स्लाइड, उसके बाद स्कीइंग वगैरह वगैरह जो भी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वो यहीं पर होती है फेस फर्स्ट पर। और इस तरफ से देख सकते हो ये ATV पे अभी चढ़ रहे हैं ऊपर, और ये फेस फर्स्ट में होता है। और इधर देखो बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है, ये देखो ये सारे स्की कर रहे हैं अभी, काफ़ी मज़ा आ रहा है। पिछले एक डेढ़ घंटे से मैं यहाँ देख रहा हूँ, सारे लोग स्की कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो ये देखो फेस सेकंड का केबल कार जा रहा है ऊपर के लिए। ओहो क्या बात है, गुलमर्ग की पहाड़ियाँ ऊपर से कैसी दिखती हैं फेस फर्स्ट से, कितना मस्त है। और यहाँ से देखो एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ। हेलीकॉप्टर सनशाइन पीक पे लेके जाता है, और इसकी भी बुकिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन है। ये देखो ओहो क्या बात है, जो आपके यहाँ पे स्की वाले दिख रहे हैं वो ऊपर से आ रहे हैं स्की करते करते, ये सब सारे फॉरेनर्स हैं। ये देखो पूरा फेस फर्स्ट में एंजॉय करने के बाद, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद, स्की वगैरह किया, तो अब हम जा रहे हैं फेस सेकंड का राइड लेने के लिए। और देख सकते हो फेस सेकंड का कितना ज़्यादा रश है और पूरा भरा हुआ है। ये देखो ये भी वेट कर रहे हैं, ये सारे स्की वाले हैं, फेस सेकंड से स्की करते हैं। ये देखो कितना रश है, ओहो भाई साहब। अब बस लाइन में रुक के जाते हैं ऊपर। हमारा कैबिन आ चुका है और इस वाले कैबिन में हम बैठेंगे, क्योंकि हमारा 5 का ग्रुप है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फेस सेकंड का हमने बहुत तारीफ सुना है, मैंने भी सुना है, बहुत तारीफ सुना है कि जब भी जाना है फेस सेकंड सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो चलो ये देखो हमें अभी फेस टू जो ये कार है कैबिन फेस टू जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ, हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है जाके, क्योंकि ये ना एकदम से स्लोप में हाई अल्टीट्यूड की तरफ जा रहा है। और नीचे से हम आए फेस फर्स्ट भी काफ़ी अच्छा था, सेकंड भी अच्छा है, और ऊपर से मैंने सुना है कि ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आएगा इसका। तो बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम मस्त व्यू है यहाँ का। तो ये देख सकते हो बाहर का व्यू कितना मस्त दिख रहा है यहाँ से, और इस तरफ देखो पहाड़ी पहाड़, और हम ना नीचे से जब देख रहे थे लग रहा था बिल्कुल नॉर्मल सा ऊपर जाना है, लेकिन अब पता चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं, और इतनी हाइट पे आ चुकी है। देखो कैसे ये केबल कार चल रहा है, और अभी जिस कैबिन में हमें, इसके अपोजिट साइड एक कैबिन और होगा। ये देखो क्या बात है, ओहो मस्त मज़ा आ रहा है कसम से यार। सेकेंड फेज की लोग तारीफ करते थे, लेकिन आज सच में रियलिटी में पता चल गया कि सेकेंड फेज में आते क्यों है सब। ये देखो कितना मस्त व्यू। तो ये देख सकते हो ये अभी ओपन गंडोले में जा रहे हैं, और ये सारे स्की वाले हैं, और ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, और ये ऊपर जाके छलांग लगा के ना कूद के मतलब उतरते हैं नीचे। देख सकते हो अभी हम इतनी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, क्या बात है। ये देखो बाहर का व्यू कितना मस्त, ये देखो स्की वाला है इधर, स्की है। हेलो भाई कैसे हो, और अभी हम पहाड़ी की तरफ। तो अभी हम सेकंड फेज पे आ चुके हैं, और यहाँ का व्यू ना सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है,
और वो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये नीचे से आने का रास्ता। और इस तरफ से देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, सच। ओह क्या बात है, ये देखो यहाँ से आने का रास्ता, और ये देखो कितना मस्त व्यू है यहाँ का। ओह भाई साहब ये देखो, ये है गुलमर्ग गंडोले का फेस सेकंड का व्यू, और कितना मस्त है। देखो कितने लोग आए हुए हैं अभी और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ छोटा सा एक आर्मी का क्वार्टर भी है। ओहो इंडिया का फ्लैग इतनी ऊंचाई पे, वाह क्या बात है, सलूट है। और इस तरफ से हम आए नीचे से, और ये देखो ये वापस जा रहा है गंडोला यहाँ से, और ये एक नीचे से आ रहा है देखो। ये देखो यहाँ से ये केबल कार जो आ रहा है, इसके पीछे देखो स्नो ही स्नो, और पूरा हम हाइट पे हैं। मुझे लगता है कि हम श्रीनगर की सबसे हाईएस्ट चोटी पे आए हैं। और इस तरफ से देखो कितने बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और पूरा स्नो कवर्ड है, मे बी यहाँ 10-10 फीट स्नो होगी। तो यहाँ से आने का रास्ता कुछ ऐसा है, और यहाँ पे आपको एक शॉप भी मिलेगी, हाईएस्ट पिज़्ज़ेरिया इन दी वर्ल्ड, यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा आपको। और ये ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है, इस पहाड़ी पे बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे इसका नाम जो है ये है अपरवात। ये देखो यहाँ पे, और इसका लिखा भी है कितने ऊंचाई पे है, 3950 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे आपको आधे घंटे का स्टे मिलेगा, आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये अनाउंस यहाँ पे करते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा जो टूरिस्ट, ये देखो ओहो क्या बात है, ये देखो तो यहाँ पे आने का काफ़ी मज़ा है। अगर आप लोग भी आते हो तो ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हो, और गूगल में जाके। और फेस फर्स्ट का उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फेस सेकंड का बहुत अच्छा मज़ा है। और अगर आपको सिर्फ साइट सीन देखना है और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करनी है, तो आप सिर्फ फेस फर्स्ट तक आइए। और अगर आपको सीनिक व्यू देखना है और आपको मतलब इंजॉय करना है, तो आप फेस सेकंड ज़रूर बुक कीजिएगा। हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल ना हमारे लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। और यहाँ पे वॉशरूम भी नहीं है, इसलिए हम अभी निकलते हैं, वॉशरूम नहीं है। तो अभी हम ऊपर से वापस आ चुके हैं, और सुबह का स्लॉट लेने का हमारा प्रॉफिट ये रहा, क्योंकि सुबह हम आए थे उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, जल्दी जल्दी अंदर चला गए थे। देख सकते हो दोपहर के स्लॉट, मैं आपको दिखाता हूँ अभी टाइम कितना है, एक मिनट। ये देखो अभी है टाइम 2:45 दोपहर का, और देखो गुलमर्ग के लिए जो गंडोले का है कितना ज़्यादा रश है। तभी मैं सोचूं कि दोपहर की टिकट क्यों नहीं मिल रही थी, वो इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा रश है। ये देखो लाइन कहाँ तक लगी है। ओहो भाई साहब ये अंदर तक पूरा भरा हुआ है, अंदर जो चेयर्स हैं बैठने के लिए वो भी फुल है, और बाहर देखो कितना रश है, भाई साहब क्या बात है। और जाते जाते मैं आपको एक वीडियो में थोड़ा सा और एक चीज़ बताऊंगा, जब भी आप बाहर आओगे मेन गेट से बाहर, यहाँ पे यहाँ से मेन रोड जो बाहर पार्किंग है 1.2 किलोमीटर से, और यहाँ पे आपको टैक्सी का ऑफर करेंगे, जो बिल्कुल स्कैम है टैक्सी का। 300 रुपये मांगते हैं यहाँ से वहाँ तक का, 300 रुपये एक किलोमीटर तक। मुझे शर्म आती है ऐसे कहने पे कि मैं कश्मीरी होके मुझे भी 300 मांगा, और ऐसा बोला कि नहीं 300 ही है यहाँ से किराया। मैं सर थोड़ा खुदा का खौफ खाओ, थोड़ा रहम खाओ, कुछ ऐसा वैसा नहीं, 300 रुपये। तो जो डिपार्टमेंट है यहाँ का उसको देखना चाहिए, इतना चोरी इधर चल रही है, इतना फ्रॉड इतना स्कैम चल रहा है गुलमर्ग में, वो भी 300 रुपये यहाँ से बाहर का एक किलोमीटर का। शर्म आनी चाहिए ऐसे डिपार्टमेंट को जो इस पर एक्शन नहीं लेता, उनके नाक के नीचे ये सब होता है लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन नहीं लेते। नीचे से आके गुलमर्ग के ऊपर तक इतने सारे स्कैम्स, क्या बात है यार, कमाल है। कश्मीर टूरिज्म को सलाम है, दिल से सलाम है इस कश्मीर टूरिज्म को। चलो जो भी वीडियो देख रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा कुछ एक्शन होगा इनके ऊपर, और क्या ही बताऊँ, स्कैम 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 स्कैम। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, चलो मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।